सेकंड हॉल्ट है, एक हॉल्ट पहले लिया था वहाँ शूट नहीं किया, अभी ये सेकंड हॉल्ट है एंड हम लोग वैसे तो कल पहुँचेंगे, बाय रोड जा रहे हैं, सो लेट्स सी कैसे आता है। फाइनली वी हैव रीच्ड गोवा एंड हम लोग कल निकले थे सुबह बाय रोड और आज जाके अभी 11 बज रहे हैं और 11 बजे अभी हम लोग गोवा में पहुँचे हैं। होटल में चेक इन कर लिया है एंड रूम इज वे टू गुड, रूम का भी मैं आपको एक बार नो ओवरव्यू दिखा देता हूँ कैसा है। अभी जस्ट फ्रेशन अप होना है एंड लेट्स सी, फिर मेरे ख्याल से यहाँ से पहले तो हम बाघा बीच जाने वाले हैं, नहीं पहले हम खाने जाएंगे क्योंकि कल रात से कुछ नहीं खाया, पहले खाना वाना खा के फिर बाघा बीच जाएंगे एंड देन देखते हैं फिर क्या पूरे दिन का प्लान करना है। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, ये व्लॉग काफ़ी टाइम बाद आया है सो बहुत मज़ा आएगा। सो ये एक छोटी सी प्यारी सी गैलरी है एंड ऐसा कुछ है गैलरी, व्यू देख लो आप सब, होटल्स गेस्ट हाउस। सो मॉर्निंग अच्छी होने वाली है यहाँ पर। Then this is the room. छोटा सा रूम है, अच्छा हो द रूम इज सो फार सो गुड। वीडियो होते हैं एंड देन मैं आपसे बात करता हूँ एंड देन जहाँ भी जाएंगे जो भी करेंगे वो मैं आपको व्लॉग में दिखा दूंगा। शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे, ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं रखूँगा क्योंकि आई डोंट थिंक कि मुझे इतना टाइम मिलेगा, हम लोग पूरा रिलैक्स करने आए हैं। सो जो भी होगा जैसे भी होगा आपको व्लॉग में पता चल जाएगा। Now we are at Bagha Beach. Look at the vibes, guys. मच बेटर, गर्मी नहीं लगती है, ह्यूमिडिटी हो कहीं ना थी, मच बेटर गाइस। बाघा बीच जस्ट आउट द व्यू इज, काफी भीड़ है इस साइड तो हम लोग इस साइड आ गए हैं। बाघा बीच एंड देन अभी हम पहले खाने जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। Here to have a lunch. Beach view. सो गाइज वी आर डन विद आर लंच, लंच ब्रंच जो भी कह लो, इट्स डन नाउ एंड अभी बज रहे हैं 3:30। अभी वी आर स्टिल ऑन बाघा बीच क्योंकि आज हम लोग ने प्लान किया एक्चुअली कि हम लोग बाघा बीच पे ही रहने वाले हैं, कहीं और नहीं जाने वाले हैं, बिकॉज आज थोड़ा ऑलरेडी हम लोग ट्रैवल करके आए हैं बाई रोड। सो यू नो वी आर प्लानिंग कि आज थोड़ा रेस्ट करें, रिलैक्स करें, विल एन्जॉय वो ईयर इन बाघा बीच। बहुत मस्त वेदर है यहाँ पे गाइज, इट्स फर्स्ट टाइम इन गोवा, तो सडन प्लान था एंड निकल गए गोवा के लिए। सो फार सो गुड, गोइंग गुड, अच्छा जा रहा है अभी तक, तो अभी तक के लिए तो अच्छा जा रहा है, लेट्स सी बाद में आगे जाके क्या होता है। तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा होगा तो यू नो अगर बाघा बीच यहाँ पे लिखा हुआ है। फिलहाल अभी हम लोग ने यहाँ पे शेक लिया हुआ है, एक शेक कह लो, बेड कह लो, जो भी कह लो, हम लोग को तो शेक बोल के गया। और अभी हम लोग यहाँ पे ब्रिटोस में गए थे,
टर्म्स ऑफ फूड ब्रिटोज इज वेरी मच गुड, बट इन टर्म्स ऑफ सर्विस नहीं, इतना यू नो अच्छा नहीं है, बट दैट्स ओके. मैं आपको शेक दिखाता हूँ जहाँ बैठे हुए हैं, पूरा लाइन लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा. यहाँ पे मसाज वसाज लिया है, यहाँ पे हम लोग ने हेड मसाज, लेग मसाज, हेड मसाज, लेग मसाज लिया है. वे टू गुड, मज़ा आया शेक पे बैठे बैठे. लेट्स सी कैसा जाता है अभी आगे का टाइम. नाउ वी आर एट सेंट एंथनी रेस्टोरेंट, देखते हैं यहाँ पे कुछ स्नैक्स एंड ऑल ट्राई करते हैं.